पटवारी कानंगो है, काफी लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं और असमंजस में है। जनता थोड़ी परेशान भी हो रही है, ऑनलाइन जो कार्य है वो नहीं हो पा रहे हैं। अब ये जो सारी समस्याएं हैं जनता की, इससे उनको राहत मिलने वाली है। और जो आज पेंशनर हैं उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि हालांकि सभी पेंशनरों के लिए तो नहीं है, लेकिन जो 75 साल से अधिक आयु वाले जो पेंशनर है उनको आज सीएम सुक्खू ने बड़ा तोहफा दिया है। 20 बड़ी अनाउंसमेंट बताएंगे सीएम की आपको। और पीएचडी तक फ्री शिक्षा और 1,000 रुपए पर मंथ किसको मिलने वाला है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ। सीएम सुक्खू ने आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में देहरा में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है। सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है, जितने भी पेंशनर प्रदेश के अंदर है 75 साल से अधिक आयु वाले, अब देखिए इनको सीएम ने कह दिया है कि आपको हम एक मुश्त एरियर देंगे। तो ये जो असमंजस में थे कि कब किस्तों में आएगा, कितने किस्तों में आएगा, हजारों करोड़ जो है वो अभी भी कर्मचारियों का पेंशन, जो कर्मचारी है जो पेंशनर है उनका एरियर बचता है वो कैसे मिलेगा, तो जो पेंशनर है 75 साल से अधिक आयु वाले उनको एक मुश्त मिलेगा, ये आज सीएम ने बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो ये मान के चलिए पहले चरण में 75 साल से बड़ी जो अधिक आयु वाले हैं उनको एरियर मिलने वाला है। अब बात करते हैं कर्मचारियों की। कर्मचारी मायूस जरूर हैं, लेकिन जो हमने अब फीडबैक लिया है कब कर्मचारियों को जो है वो मिल सकता है डीए और एरियर, इस पर एक बड़ी अपडेट यह है कि बहुत जल्दी सरकार जो है वो एक जेसीसी की बैठक कर सकती है। और जितने भी प्रदेश में जो कर्मचारी नेता है, जो उनके संगठन बने हुए हैं, वो इस बैठक में आएंगे और यहां पर जो प्रमुख डिमांड होगी वो होगी डीए की। लेकिन सरकार के स्तर पर देखें जो वित्तीय स्थिति वो इतनी अच्छी नहीं है और सीएम सुक्खू बार बार ये कहते हैं कि हमारे ऊपर 75,000 करोड़ का जो कर्ज है वो छोड़ा गया, उसके बाद हमें जो है वो ऋण लेना पड़ रहा है जो ब्याज है उसको चुकता करने के लिए। लेकिन सीएम सुक्खू ने यह जरूर कहा है कि जो अगला वित्त वर्ष होगा, यानी जो 2025-2026 का जो आने वाला जो वित्त वर्ष है, इसमें जो है वो चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए अब जेसीसी की मीटिंग होनी है, संभावनाएं हैं कर्मचारियों की, उसमें कुछ ना कुछ सीएम जो है वो एक जो 12% डीए पेंडिंग बचता है उसमें से एक जो किस्त है वो मिल जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 12% डीए तो है ही है, लेकिन जो उनका एरियर बनता है, एरियर भी एक साथ देना बड़ा मुश्किल है, 10,000 करोड़ के आसपास है। अगर उसकी भी एक एक किस्त मिल जाए, जिस प्रकार से जब जयराम सरकार थी उसमें एक जो किस्त है 50,000 की वो मिल गई थी, अभी भी जो है वो चरणबद्ध तरीके से ही देना। तो ये मान के चलिए कि जो जेसीसी की मीटिंग होनी है, इसमें जो हमारी बातचीत हुई है कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर से, उनका भी यही कहना है कि अब जो हमें उम्मीद है वो जेसीसी की मीटिंग में है। और हमने सरकार को ये भी जो है प्रस्ताव दिया है कि आप जल्द जेसीसी की बैठक बुलाएं, जो हमारी समस्याएं हैं उसको सुना जाए। तो जेसीसी की बैठक से कुछ अच्छा इनके लिए हो सकता है, लेकिन सरकार के स्तर पर देखें जो चीफ सेक्रेटरी हो, जितने भी फाइनेंस के सेक्रेटरीज हैं या फिर सरकार के लेवल पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, उनका यही कहना है कि वित्तीय स्थिति अभी ठीक नहीं है उस हिसाब से इस तरीके से होने चाहिए। लेकिन यह जरूर है कि 2025 में जो अब आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें अभी पेंशनरों का 1,75 साल से अधिक आयु वालों का किया है, इसके बाद जो कर्मचारी है उनको हम चरणबद्ध तरीके से एरियर भी देंगे और डीए भी देंगे। तो यह एक चीज हो गई जी। इसमें जो 30,000 से अधिक पेंशनर हैं 75 साल से अधिक आयु वाले उनको लाभान्वित होंगे जितने भी ऊपर बनते हैं। इसके अलावा अब 2016 से जो नया वेतनमान है वो तो मिल गया है, लेकिन जो उसका एरियर है वो नहीं मिला है, उसको हमने बता दिया है 25 का। अब 15 अप्रैल, अब आपको मालूम है 15 अप्रैल का कार्यक्रम होना है, उसमें अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन उससे पहले जेसीसी की मीटिंग हो सकती है, उसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। और सीएम ने आज एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि प्रदेश में ग्रीन पंचायत के तहत 10 विधानसभा की कई पंचायतें हैं जहां पर हम 500 किलोवाट का सौर बिजली प्रोजेक्ट लगाएंगे। यानी अब ग्रामीण स्तर पर जो पंचायतें हैं वहां पर बिजली उत्पन्न की जाएगी, जो बिजली प्रोजेक्ट है वो लगाए जाएंगे सौर बिजली प्रोजेक्ट, और वहां पर उसी बिजली को जो है वो फिर जनता को वहां पर गांव पर ही मिलेंगी, और इसके लिए जो जमीन है वो लोग अपनी दे सकते हैं। ये पहले भी जो है वो एक जब ब्रेड फैशन सीएम का हुआ था उसमें उन्होंने कहा था, लेकिन आज सीएम ने बड़ी अनाउंसमेंट की हम बहुत जल्दी पहले चरण में 10 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हो गया जी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये भी था। और आज देहरा के लिए तो खुशखबरी थी, कई जो है वो नए उद्घाटन हुए हैं, कई शिलान्यास हुए हैं देहरा में। जो वहां की मौजूदा विधायक है, जो नवनियुक्त विधायक है कमलेश ठाकुर, वो भी मौजूद थी। और देहरा में अधीक्षण अभियंता इलेक्ट्रिसिटी का जो कार्यालय है उसको खोलने के अनाउंसमेंट आज सीएम ने किया, यानी ये कार्यालय वहां पर बहुत जल्दी खुलेगा। और सीएम ने अधीक्षण अभियंता जल शक्ति का जो विभाग का जो कार्यालय है वो खोलने को आज हरी झंडी दी है। और ब्लॉक मेडिकल ऑफिस यानी बीएमओ जो ऑफिस
है वो भी खुलेगा। तो आज का दिन जो देहरा की जनता है उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो देहरा के लिए आज हुई है, जो पोंग विस्थापित है उनको राज्य सरकार मालिकाना हक देगी। जितने भी उनके पेंडिंग इश्यू चल रहे हैं, कोई भी इश्यू चल रहे हैं, सीएम ने यह कहा है कि अगर कानून बदलना पड़े इनको हक देने के लिए तो सरकार वो भी बदलेगी। तो ये मान के चलिए इनको भी मालिकाना हक मिलने वाला है। इसके अलावा सीएम ने आज बड़ी अनाउंसमेंट ये भी की है कि हम जो हमने वायदा किया है, थोड़ा हम डिले जरूर हुए हैं, हम एक एक जो गारंटी है वो पूरी कर रहे हैं और हमारी कुछ गारंटीज पूरी हो गई है। जो हमने चुनाव में की थी जनता को, कुछ गारंटीज अभी भी हमारे पास 3-3.5 साल बचे हैं उसमें पूरी करेंगे। सीएम ने यह भी कहा है कि 20 महीने के अंदर हमने 31,000 लोगों को रोजगार दिया है, जबकि भाजपा ने केवल और केवल जो है वो 5 साल में 20,000 लोगों को रोजगार दिया, ये उन्होंने कहा है। तो रोजगार को लेकर के भी आज सीएम ने बात छेड़ी अपने संबोधन में, जब वो देहरा में जनता को संबोधित कर रहे थे। और 16 जो हेलीपोर्ट है वो बनाए जा रहे हैं ताकि जो है वो कांगड़ा को विकसित किया जा रहा है राजधानी के रूप में, जो पर्यटन राजधानी उसके रूप में। और सीएम ने यह भी कहा है कि 153 करोड़ रुपए जो हमने एमआईएस के तहत, चाहे वो नींबू हो सेब हो, उसका जो समर्थन मूल्य है वो भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है। पिछला जो पेंडिंग था वो भी हमने दे दिया है। 680 करोड़ की जो स्टार्टअप योजना है वो हमने शुरू की है। और इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए सालाना जो है वो 1500 रुपए जो महिलाओं को दिए जा रहे, पात्र महिलाओं को, वो भी हमने शुरुआत कर दी है। सभी महिलाओं को हम चरणबद्ध तरीके से देंगे, सीएम ने ये बड़ी बात कही है जी। इसके अलावा जो अभी प्रदेश में आपदा 31 जुलाई की रात को जो उसमें प्रभावित हुए हैं लोग, सीएम ने कहा है कि 50,000 रुपए गैस चूल्हा ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए किराए पर अभी फिलहाल, और 10,000 रुपए शहरों में दिए जा रहे हैं इनको। लेकिन जैसे ही अभी, क्योंकि अभी आपको मालूम है अगस्त का महीना है, सितंबर माह में भी जो है प्रदेश में मानसून रहता है, तो टोटल जब मानसून की विदाई हो जाएगी उसके बाद इन परिवारों को जो लोग बेघर हैं अभी भी, इनके लिए जो है वो हमने व्यवस्था कर दी है कहां रखना है क्या करना है। लेकिन उसके बाद जो इनका घर बनना है, क्योंकि अभी जो रूल्स है उस हिसाब से 1,10,000 रुपए ही मिल सकते हैं, जो केंद्र सरकार के हिसाब से, प्रदेश सरकार के हिसाब से जो इनको मिलता है घर बनाने के लिए, जिनका सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन सीएम ने बड़ी अनाउंसमेंट की है कि इनके लिए भी हम स्पेशल राहत पैकेज लाएंगे, तो इनको घर बनाने के लिए उम्मीद है कि और अच्छा पैसा इनको भी मिल सकता है। सीएम ने एक चीज और कही कि जो हम कठोर फैसले ले रहे हैं और उसके पीछे की वजह ये नहीं है, हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो पिछली सरकार थी, ये उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बिजली बिल हैं, जो साधन संपन्न लोग थे, वो जो लोग दे सकते थे बिजली बिल उन पर उनको उनका जो बिल है वो जीरो कर दिया, जो लोग दे सकते थे पानी का बिल उनका भी जीरो कर दिया गया है बिल। और इस पर सरकार को बिजली बिल पर सालाना 780 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त खर्च आ रहा था, जो कह सकते हैं खजाने से जा रहा सरकार के, और जो मुफ्त पानी है जो लोग दे सकते थे बिल उनका भी 300 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो है वो फ्री में पानी मिले, जो लोग नीडी है, जो लोग दे सकते हैं, इनकम टैक्स वाले लोग हैं, उनके लिए हमने निर्णय लिया है। और कठोर फैसले लेने के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि हिमाचल जो है वो ऋण ही लेता ना रहे, अपने पांव पर खड़ा हो, ये सीएम ने आज कहा है। और सीएम ने यह भी कहा है कि 4 महीने हमारे उपचुनाव के चक्कर में चले गए और इसकी वजह भी उन्होंने जो है विपक्ष को दिया कि विपक्ष की वजह से जो है वो उपचुनाव हुए, अगर विपक्ष जो है वो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं करता, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई लेकिन जनता ने धनबल को हराया, ये आज सीएम ने आरोप लगाया है विपक्ष की पार्टी पर। इसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जो आज सीएम ने की है, जितनी प्रदेश में विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, निराश्रित लोग हैं, इसके अलावा जो अक्षम माता पिता है, इन सभी के जितने भी बच्चे हैं 18 साल तक सभी बच्चों को पर मंथ 1,000 रुपए, इन सभी के 1,000 रुपए सरकार देगी। दूसरा, पीएचडी तक की पढ़ाई सरकार फ्री में करवाएगी। तीसरा, जो पीजीज हैं, पीजीज में जो है वो 3,000 रुपए अगर गवर्नमेंट का है तो वहां पर फ्री होता, आपको मालूम है वहां पर कोई इनसे पैसा नहीं ले जाएगा। अगर नहीं भी फ्री है, कहीं पर लेना चाह रहा है बच्चा, उसके लिए सरकार 3,000 रुपए पर मंथ देगी, ये भी आज बड़ी वो चीज कही है। सीएम ने आज अपना खाका भी रखा है कि सरकार ने अभी तक जो 1.5 साल हुआ है, पिछले 1 साल में जो राजस्व प्राप्त हुआ है, जो अतिरिक्त राजस्व है, जो एक तरह से जो होता ही है, एक जो सीएम ने कहा है कि हमने 2200 करोड़ का जो राजस्व है वो 1 साल में अर्जित किया है एक्स्ट्रा, जो हमने इनकम सोर्सेज जनरेट किए हैं। सीएम ने आज ये खाका भी जो है वो जब अपना भाषण दे रहे थे उसके उनके सामने रखा, तो ये एक चीज हो गई जी। और सीएम की जो अनाउंसमेंट है हमने बता दी है, और सीएम कल भी हमीरपुर में होंगे, तो ये मान के चलिए हमीरपुर जिला में, क्योंकि आज कांगड़ा में थे, कल सीएम हमीरपुर में होंगे जो इनका गृह क्षेत्र है, कल हमीरपुर में सीएम स्वामित्व योजना इसका शुभारंभ करेंगे। परसों भी सीएम हमीरपुर में है, नादौन में है, और वहां पर जो इंडोर स्टेडियम है उसका सीएम शिलान्यास करेंगे। तो ये हो गया जी, यानी कल और परसों सीएम शिमला में नहीं है और हमीरपुर में ही रहेंगे, और वहां पर जो बड़ी परियोजना
योजनाएं हैं उनके शिलान्यास और उद्घाटन शिलान्यास जो है वो करेंगे, शुभारंभ भी करेंगे योजना का। और संभावनाएं हैं जो अभी तक हमारे पास सूचना पहुंची है कि सीएम दिल्ली भी जा सकते हैं, और दिल्ली जाने के पीछे का जो मकसद है केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए प्रदेश को। और दूसरा, प्रदेश में अभी भी जो चीफ व्हिप है, चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है वो नहीं लगाए गए हैं, तो सरकार में नई ताजपोशियां भी होनी है। फिलहाल एक मंत्री पद भी खाली चल रहा है, और जब तक सीपीएस का फैसला नहीं आता है तब तक मंत्री तो जो है वो अभी कोई नया बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वेट किया जा रहा है कि क्या फैसला आता है हाईकोर्ट से। लेकिन जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, क्योंकि बार बार जो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो सवाल उठा रही है कि ऐसे लोगों को तवज्जो मिलने चाहिए जिन्होंने काम किया है, तो इस पर भी अब सरकार आगे बढ़ रही है। और जो केंद्रीय हाईकमान है कांग्रेस का वो देख रहा है, तो ताजपोशियों का जो दौर है वो भी प्रदेश में अब शुरू होगा चेयरमैन वाइस चेयरमैन का। तो सीएम दिल्ली जाने के अभी जो है टेंटेटिव बन रहा है शेड्यूल, अभी दो दिन तो वो हमीरपुर में ही, उसके बाद जा सकते हैं सीएम दिल्ली भी। और एक चीज और बता दें आपको, 27 तारीख से फिर आपको पता है विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो फिर सीएम को वापसी आना पड़ेगा। और इस बार सबसे अच्छी चीज यह है कि 10 बैठकें होगी, तो ये मान के चलिए कि 10 जो विपक्ष है उनको अच्छा मौका मिलेगा बोलने के लिए, तो ये भी हो गया। 27 तारीख से शुरू होनी है विधानसभा, तो ये हो गया। इसके अलावा आज सीएम से जो पटवारी कानूनगो मिले हैं, देखिए जनता में यह असमंजस था कि जो पटवारी कानूनगो है क्या वो काम शुरू करेंगे, हड़ताल पर तो नहीं जा रहे हैं। जो हमारी बात सूचना है कि इन्होंने अब ये कर दिया है कि अपनी जो हड़ताल है वापसी ले रहे हैं ये। और दूसरा, इन्होंने ये भी आज बोल दिया कि हम एक दिन का जो वेतन है वो भी हम मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। तो ये अपनी इन्होंने हड़ताल वापसी ले ली है। सीएम ने कहा है कि जो हमने ये स्टेट कैडर वाला फैसला लिया है ये सरकार का फैसला है और कैबिनेट में हुआ है, और इसमें भी जो आपकी कह सकते हैं कोई भी आपको सुविधा देनी है उसका सरकार ख्याल रखेगी। और इसका मकसद जो नए पटवारी कानून को आगामी समय में आने हैं उनके लिए ये जो व्यवस्था है वो की जा रही है, जो आपके हक हैं वो नहीं छीने जाएंगे, जो आपकी सीनियोरिटी है कुछ भी चीजें हैं वो आपको जैसे की तैसी रहेगी। जो नए वाले होंगे उनको जो है वो इन रूल से गुजरना पड़ेगा, और सीएम ने कहा है कि आपको हम हर सुविधा देंगे। डीए को लेकर मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की, इसीलिए हमें डीए के लिए अभी इंतजार करना होगा, और ये इंतजार कितना लंबा होगा इसके लिए अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। वजह यह है देखिए कि सबसे पहले जो डीए का जो पेंडेंसी है, पहले उसकी आप बात समझिए, अभी 12% हिमाचल के कर्मचारियों को पेंडिंग है, इसमें से 4% है जनवरी 2023 से, 4% है जुलाई 2023 से, और 4% है जनवरी 2024 से। भारत सरकार इसी महीने अगस्त में जो अपने कर्मचारियों को जुलाई का 4% या 5%, दो में से एक फिगर होगा, वो अभी देने जा रही है, तो 12% का हो जाएगा अब 16%। तो ये हो गया डीए की पेंडेंसी। और डीए अगर एक किस्त देनी हो 400 करोड़ की, तो अभी प्रेजेंटली करीब 600 करोड़ राज्य सरकार को सालाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो अभी जुलाई 2022 का 4% डीए अप्रैल 2024 से राज्य सरकार ने दिया है, उसका एरियर का भुगतान अभी नहीं किया है, एक्चुअल मिलना शुरू हुआ है। एरियर को लेकर नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इस बारे में सेपरेट ऑर्डर होगा, और सेपरेट ऑर्डर अभी आज तक नहीं हुआ है। तो ये जो महंगाई भत्ते का खेल है और वो अभी तक नहीं मिला है। अब दूसरी बात कर लेते हैं एरियर की। एरियर की बात करें तो 2016 से नया पे कमीशन लागू है, 2016 से 2026 में 10 साल है, 26 में नया पे कमीशन बनेगा इसका भी संकेत अभी तक नहीं है और उम्मीद भी अभी नहीं है। लेकिन 10 साल से पिछले 8 साल अभी मान लीजिए आप 24 तक, 2016 से जो एरियर है जयराम सरकार के समय एक किश्त मिली थी 50,000 की सीलिंग के साथ, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने एरियर अभी तक नहीं दिया है कर्मचारियों का। पेंशनर के लिए एक नोटिफिकेशन कर दी थी, लेकिन पेंशनरों के जो पेंडेंसी थी वो ज्यादा है, तो इसीलिए उसको लिए उसके लिए भी अभी इंतजार है। आज जो अनाउंसमेंट हुई, वो अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस साल मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 75 साल या इससे ज्यादा के, 75 साल की उम्र जिनकी हो गई है या इससे ज्यादा की उम्र के जितने भी पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर हैं, उनके एरियर का फुल भुगतान कर दिया जाएगा। अब ये किश्तों में होगा या एकमुश्त होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन एक साथ हो जाएगी, मतलब एकमुश्त हो जाएगी। 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र चाहिए तब आपको एकमुश्त जो है वो एरियर मिलेगा, उससे कम वालों के लिए भी एरियर की जो बकाया किश्तें हैं उनको लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। दूसरी बात कही कि अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की जितनी भी देनदारियां हैं उन देनदारियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा अगले कुछ वर्ष, अगले वर्षों में, मतलब कुछ भी शब्द नहीं है, अगले वर्षों में, मतलब जो क्योंकि अभी 2 साल हुए, 3 साल बाकी हैं, उसमें ये जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। इसीलिए अगला फाइनेंशियल जो सिस्टम है, मतलब नया पे कमीशन है या नए पे कमीशन का पीरियड है, उससे पहले पूरी देनदारी पिछले पे कमीशन की हो पाएगी, इसको लेकर कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं है। और जिस तरह की फाइनेंशियल स्थिति प्रदेश की है
उस में ये भुगतान अभी होना संभव भी नहीं लग रहा। 1400 करोड़ का एरियर का भुगतान अभी तक सरकारों ने किया है, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे अब की हो। अब की मैंने केवल पेंशनर का किया, कर्मचारियों के मामले में भी ऑर्डर किया था, नोटिफिकेशन हुई थी, लेकिन कर्मचारियों को वो फॉर्मूला पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने उसको विड्रॉ करवा लिया, दोबारा से ऑर्डर उसका हुआ नहीं। और जो अभी भी एरियर के तौर पर कर्मचारियों और पेंशनरों का 9000 करोड़ के आसपास हिमाचल में पेंडिंग है, और जिस तरह से ओल्ड पेंशन की लाइबिलिटी अब क्रिएट होती जाएगी, पहले 2 साल की अवधि है ओल्ड पेंशन का। जब ओपीएस लागू हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पेंशन लागू होने के फर्स्ट 2 ईयर ही ब्रीदिंग स्पेस सरकार के पास है, तीसरे साल से कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है और ट्रेजरी ड्रेन होने की नौबत है, और वही सिस्टम अब तीसरे साल से शुरू हो जाएगा। इवन एचआरटीसी की जो पेंशनर की लाइबिलिटी है, जो अभी प्रेजेंटेशन हुई थी, वो ही मल्टीप्लीकेशन 3 गुना पे जा रही है, तो अगर राज्य सरकार के तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुए हैं। अब अकेला पशुपालन विभाग है, पशुपालन विभाग ने ही जो शीला देवी वाला केस हुआ है और ताज मोहम्मद वाला केस हुआ है, उन दोनों की देनदारी ही सीनियोरिटी अपॉइंटमेंट के डेट से देना और जो पेंशन को कॉन्ट्रैक्ट अवधि को पेंशन के लिए काउंट करना, इन 2 डिसीजन के कारण ही अकेले पशुपालन विभाग ने 383 करोड़ की लाइबिलिटी सरकार को भेजी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यही लाइबिलिटी लगभग 1300 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। अब यह भी अगर कोर्ट में कोई और बाया मीडिया नहीं निकला तो यह सेपरेट मैटर है, और तीसरे साल से जो ओल्ड पेंशन की लाइबिलिटी है वो सेपरेट मैटर है। दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल चीजें देखें तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार से लूज मनी या अनटाइड फंड के तौर पर कुछ भी मिलने का स्कोप अब नहीं दिख रहा, और दूसरी तरफ जो भारत सरकार से जो पैसा आना है टाइड फंड में, उसको कर्मचारियों की तरफ को मोड़ना संभव नहीं है, सैलरी पेंशन की तरफ को मोड़ना संभव नहीं है। लोन की जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एफआरबीएम के तहत राज्य सरकार बाउंड है, उसको वायलेट नहीं कर सकती। एक स्कोप देखा जा रहा है कि जो बॉन्ड इशू करने को लेकर कोई स्कोप देखा जाए, जैसा केरल ने एक बीच में स्टेप लिया था और केरल को वो भारी पड़ा था क्योंकि केंद्र सरकार ने पेनल्टी लगा दी, अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और एक जो अब 2026 के पहले अप्रैल से, मान लीजिए 2026 ताई के फाइनेंशियल ईयर से, जब नया फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन अपना अवार्ड देगा, उस फाइनेंस कमीशन में राज्य सरकार को डेवल्यूशन में या बाकी ग्रांट्स में क्या मदद मिलती है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अगर उसमें कोई स्कोप बना तो वो 1 अप्रैल 2026 से राज्य सरकार को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले 2025 का फाइनेंशियल ईयर, जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बहुत कम है और इस साल जो 6000 करोड़ के आसपास थी, अगले साल जो है केवल 3000 करोड़ है, और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि जब आरडीजी का ये फॉर्मूला पिछली सरकार के दौरान 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया, जिसमें हर साल कटौती होती जाएगी, तो उसका ऑब्जेक्शन पूर्व सरकार ने नहीं किया, इस कारण हिमाचल को अगले साल में नुकसान हो रहा है। तो यही चीजें अब आपके सामने हैं, इसी कारण जो ये चीजें आपको इसलिए बताना जरूरी है कि राज्य सरकार की प्रेजेंटली मजबूरी क्या है जिसके कारण डीए नहीं दिया जा सका और एरियर भी सिर्फ उनका दिया जा सका जो अपनी एज को कंप्लीट करने के नजदीक हैं। सरकार शायद यह सोच रही है कि जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ कम बची है, एटलीस्ट उनका एरियर दे दिया जाए ताकि वो कम से कम अपने आप को यह महसूस कर सकें कि हम पैसे के इंतजार में उनकी जान ना गई और उनको जो सेटिस्फेक्शन है या जो उनकी फैमिली को जो उनकी तरफ से मदद मिलनी है वो मदद उनके सामने उनके होते हुए मिल सके। तो ये आज के जो प्रमुख घोषणाएं थी।